हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडी ऑरी। फ्रेंड्स, आज मैं फ्लॉलेस आईब्रो ट्रिमर अनपैक करके आपको दिखाऊंगी। और ये आईब्रो ट्रिमर मैंने ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से ख़रीदा है। आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल में जाइए तो ये फ्लॉलेस का आईब्रो ट्रिमर अवेलेबल है। ये यूज़ करना बहुत ईजी होता है और स्पेशली आपको हमेशा पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं। अचानक कोई फंक्शन आ गया है और आपके पास टाइम नहीं है पार्लर जाने का, तो आप ये आईब्रो ट्रिमर से आराम से अपनी आईब्रो ट्रिम कर सकती हो। या फिर कभी कभी ऐसा होता है, बस पार्लर से आई है, 10 डेज हो गया और थोड़ा थोड़ा आईब्रोज निकल जाते हैं, उसको फिर से ट्रिम करने के लिए ये आइडियल है। और आप अगर इसको सही से यूज़ कर पाओ ना, तो मैं तो ये बोलूँगी कि आपको कभी पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं है आईब्रो अपर लिप्स वगैरह के लिए, क्योंकि हमेशा आप इससे ही आईब्रो जो है आप ट्रिम कर सकती हो। बहुत ही सुविधा है। देखिए, मैं इसको अनपैक कर रही हूँ। मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल से ख़रीदा है इसको, मैं नाम नहीं बता रही हूँ। आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग जो भी कंपनीज है कहीं से भी ले सकते हो। बस देखो, अंदर इसका पूरा डायरेक्शन दिया हुआ है कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है। बहुत अच्छे से डायरेक्शन दिया हुआ है, साथ में फ़ोटोज़ भी है कि आपको इसको कैसे फिट करना है एंड ऑल दिस, ट्रिमिंग कैसे करनी है, सारा डायरेक्शन इसमें दिया हुआ है। इसके साथ ही आ रहा है ये मैनुअल, तो इसको फॉलो करके आप आराम से इसको कर सकते हो। और इसका प्राइस भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा कम है इसका प्राइस। अब देखो इसमें क्या क्या मिला है मुझे। ये ट्रिमर मिला है और फिर ये एक ब्रश मिला है। ब्रश का यूज़ मैं दिखाती हूँ कैसे करना है, और एक बैटरी। बस यही है इस किट में। अब जो फिट कैसे करते हैं ये सारे चीज़ को, जैसे लगाते कैसे, मैं दिखा देती हूँ। ब्रश तो बहुत सारे यूज़ में है, जैसे कि आप जब ट्रिम कर रही हो तो जो आईब्रोज झड़ जाते हैं, जिसको ट्रिम करने के बाद इसको झाड़ने में भी यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ इसका और भी फ़ायदा है जिसके लिए अब स्पेशली ये ब्रश दिया गया है, मैं दिखाती हूँ। पहले ट्रिमर दिखा लेती हूँ, देखिए कैसे है। देखने में बहुत ही सुंदर है, पेन जैसा है। अब इजीली कहीं भी कैरी भी कर सकती हूँ, उसको साथ में कहीं भी ले जा सकती हूँ। बिल्कुल एक पेन की तरह है और ऊपर ही वो उसका जो मशीन है ऊपर की तरफ है। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. अब दिखाती हूँ इसको साफ कैसे करोगे ट्रिमिंग के बाद। ट्रिमिंग के बाद ये ऊपर वाला पोर्शन खुल जाता है, ठीक है, साफ करने के लिए। तो देख सकते हैं ऊपर वाला पोर्शन खुल गया। तो ये ब्रश से जो भी हमने जब ट्रिमिंग करते हैं ना आईब्रोज, तो ये जो आईब्रोज के जो बाल है, जो हेयर्स है, ये अंदर थोड़ा बहुत आ जाते हैं, तो इसको साफ करना ज़रूरी होता है हर बार। अदरवाइज क्या होगा, आप आईब्रोज करते रहोगे और इसको साफ नहीं करोगे तो फिर ये ख़राब हो सकता है, अटक सकता है। अब देखो इसका अंदर में जो ये ब्लेड है जिससे आईब्रोज साफ होती है, उसको भी निकाल के ऐसे साफ कर लेना है इस ब्रश से। जो ब्रश हमको दिया गया है किट में, उसी में से हल्का हल्के हाथ से आप इसको झाड़ लो ये ब्लेड्स को, ठीक है। अब जो अंदर वो मशीन के अंदर भी हम थोड़ा जो अगर बाल है वो डाल लेते हैं, क्योंकि हम नॉर्मली आईब्रोज करते हैं तो थोड़ा पाउडर लगा लेते हैं ना आईब्रोज में, तो पाउडर भी थोड़ा जम जाता है अंदर। तो बेटर है कि ऐसे झाड़ लेंगे ना, तो जो पाउडर भी अंदर चला गया है जो हम आईब्रोज के टाइम डाल देते हैं, पार्लर में भी वो लोग यूज करते हैं ना, तो वो भी साफ हो जाएगा। देखिए बिल्कुल साफ हो गया। अब हम फिर से इसको फिट कर देंगे। अच्छा, वो जो ब्लेड है उसको हम अंदर ऐसे डाल देंगे, वहाँ अंदर ही आप देख सकते हो। इधर तो बहुत छोटा है, मैं प्रॉपरली दिखा नहीं पा रही हूँ। एक वो पैनल बना हुआ है, बस उसके अंदर घुसा दो तो ब्लेड लग जाएगी। और फिर ये मशीन फिर से मैंने फिट कर दिया ऊपर की तरफ, और एक बार चला के देख प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।